दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन पर यात्री दिवाली तक द्वारका सेक्टर 25 तक सफर कर पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्तमान में दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो द्वारका सेक्टर 21 तक चलती है। वहीं आपको ये भी बता दें कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र तक विस्तार के लिए बन रही 2 किलोमीटर लाइन का निर्माण के साथ ट्रायल भी पूरा हो चुका है। सुरक्षा जांच के बाद इस पर मेट्रो का परिचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, डीएमआरसी के अनुसार किसी भी मेट्रो कॉरिडोर पर परिचालन शुरू करने के लिए मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त से सुरक्षा जांच करवाई जाती है। ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है। सुरक्षा जांच के लिए सीएमआरएस को बुलाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा गया है। उसके बाद ही सीएमआरएस को बुलाया जाएगा। उनकी जांच के बाद हरी झंडी मिलते ही परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि इस कॉरिडोर के खुलने के बाद एयरपोर्ट लाइन का पूरा कॉरिडोर 24.7 किलोमीटर का हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार के साथ ही अब मेट्रो उसकी स्पीड बढ़ाने पर भी काम कर रही है। उसके बाद एयरपोर्ट लाइन पर मेट्रो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। इससे नई दिल्ली से एयरपोर्ट के बीच सफर करने में वर्तमान में 19 मिनट का समय लगता है, वो घटकर 15 मिनट हो जाएगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि वर्तमान में एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर मेट्रो की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है। कुछ नए बदलावों और तकनीकी अपग्रेडेशन के बाद इसकी रफ्तार बढ़ाई जाएगी। इसमें अभी 2 से 3 महीने का समय लगेगा। दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन इस विस्तार लाइन के खुलने के बाद एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर कुल 7 स्टेशन हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, शिवाजी स्टेडियम, धौला कुआं, दिल्ली एरो सिटी, IGI एयरपोर्ट, द्वारका सेक्टर 2 और द्वारका सेक्टर 25 नया स्टेशन हो जाएगा। आपको बता दें कि 2 किलोमीटर के करीब विस्तार हुआ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का 24.7 किलोमीटर का हो जाएगा। पूरा एयरपोर्ट मेट्रो लाइन कॉरिडोर 310 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। द्वारका सेक्टर 25 नए स्टेशन पर यह सुविधा आपको मिलेगी। 5 प्रवेश व निकास द्वार होंगे। 1444 सीढ़ी लगाई जाएगी। 5 लिफ्ट भी लगाई गई है। 5G नेटवर्क की सुविधा भी आपको मिलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।